Hello students, let's begin the question answer discussion of chapter number 1, that is reproduction organism. Chapter number 3 तक हम लोगों ने explanation जो है वो upload किया है. तो यहाँ पे हम लोग जो है reproduction organism में हम लोग study करेंगे. तो पेज नंबर 17 NCERT से start करते हैं. वहाँ पे जो exercise दिया हुआ है वहाँ पे question number first क्या है कि why is reproduction essential for organism? ये continuity of species of अर्थ पे पहला चीज ये, और लाइफ विल जो लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाइफ जो है कंटिन्यूअस जो है वो एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है वो बनी रहे. दूसरा विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो सेक्सुअल ही बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बिकॉज इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली यूनिक होता है अपने पेरेंट्स से, और इसमें वेरिएशन होता है जो उसको जो बेटर एडाप्टेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन. क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे. ठीक है, और इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है इसलिए वेरिएशन भी होता है. वाई जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज क्लोन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको क्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं क्लोन, इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. कभी कभी जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग क्लोन बोलते हैं. Offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. What is, why is this statement always true? Of जो sexual reproduction में जो दो gamete fuse होंगे तो जो offspring बनेगा उसमें variation होगा, और variation उसको उसके survival के लिए important है. Variation therefore are able to survive better. ठीक है, जो sexual reproduction में जो organism produce होते हैं वो सेक्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट ऑलवेज सर्वाइव मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. समटाइम्स द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइव बेटर देन द दोज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल. सो इट इज अ फेयरली क्विक प्रोसेस एंड कंज्यूम लेस एनर्जी. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जो प्रोवाइड जो प्रोड्यूस होते हैं उनके बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन उनको अडाप्टेशन प्रोवाइड करता है. तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन नहीं होता है. वेरिएशन नहीं होता तो बहुत क्विक होता है, बहुत कम एनर्जी लगता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है. ठीक है, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो प्रोजेनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होता है उसमें सिंगल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, वो जेनेटिकली आइडेंट होता है, आइडेंटिकल अपने पेरेंट से होता है. वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो दो गैमेट फ्यूज होकर के जो जेनेटिकली यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होते हैं. और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के, जबकि ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, अच्छा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पेशली हायर वर्टिब्रेट्स में होता है, और हायर इन वर्टिब्रेट और ऑल वर्टिब्रेट्स में होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बडी फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, और यहाँ पे सिनगैमी और कॉन्जुगेशन, ये दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लोअर ऑर्गेनिजम में होता है. अब वेजिटेटिव को क्यों कंसिडर किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. सीधी सी बात है, असेक्सुअल इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, और जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट जो जो प्लांट न्यू प्लांट ग्रो करते हैं वो फ्रेगमेंट से ग्रो करते हैं,
और वो जो होते हैं अपने जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट के, इसीलिए उसको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, गिव टू सुटेबल एग्जांपल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस क्या है, कॉमन प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ जर्मिन प्लांट, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट या प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। सो इन दिस फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसमें फ्रेगमेंट से न्यू प्लांट बॉडी ग्रो कर जाता है, ठीक है। और इसमें अब दो टाइप के होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे देखिए, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब ये दो तीन टर्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको डिफाइन करना कि जुवेनाइल फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है और सेनेसेंट फेज क्या है। अब जुवेनाइल फेज देखेंगे यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। बर्थ और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के बीच, यानी कि रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होने से पहले का जो टाइम है और बर्थ के बाद का ये बीच का जो टाइम है, इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, इट इज फेज इन विच ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, मेल्स टिल डेथ तक होता है और फीमेल आप जानते हैं मेनोपॉज तक होता है जो है ह्यूमन में। सेनेसेंट फेज क्या है, ये एजिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एजिंग बुढ़ापा कह सकते हैं। आगे हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिस्टोर्स टू सेक्सुअल प्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी वाई हाई ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये ध्यान सुनेंगे इसमें, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी वाई। इसका आंसर देखेंगे, हायर ऑर्गेनिजम्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्पाइट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स, देयरफॉर स्लो जेनेटिक वेरिएशन, देयरफॉर दे शो नॉट स्लो शो जेनेटिक वेरिएशन। ड्यू टू दीज वेरिएशन they are well adapted to different environmental factors and hence usually have higher rate of survival. Next, explain why meiosis and gametogenesis are interlinked. Why meiosis is a process, meiosis kya hai, reduction division hai, aur gametogenesis mein gamete formation hota hai. To dhyan, jahir si baat hai ki gametes haploid hote hain, number of chromosome half hota hai usme, aur half karne ke liye meiosis karna padega, isliye dono interlinked hote hain. तो मियोसिस इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, इट रिफर्स टू गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हाउ गैमेट्स आर फॉर्मड एंड गैमेट्स आर हैप्लॉइड एंड हाउ दे आर हाउ कैन दे मेक हैप्लॉइड बिकॉज यू नो दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ एज देयर पेरेंट सेल्स सो ड्यूरिंग सो व्हेन गैमेट्स आर फॉर्मड फ्रॉम देयर to n stage to n stage meiosis will take place. So it is said to be both are linked, interlinked. Next question number 11. So identify each part of the flowering plants and write whether it is haploid or diploid. So you know that ovary, this is diploid structure, anther diploid structure, egg haploid structure, pollen haploid structure, male gamete always haploid and zygote diploid. Next question, define external fertilization, mention its disadvantages. So external fertilization is a mode of reproduction characterized by fertilization of male and female gamete outside the body. Simple, say fertilization takes place outside the body is called the external fertilization. Okay. External fertilization kis mein hota hai, amphibia mein hota hai, स्पेशली फ्रॉग की बात कर रहे हैं, टोड्स की बात कर रहे हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ गैमेट वेरी लेस, नॉट ऑल द गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड, गैमेट्स माइट बी डेसिकेट एंड द प्रीडेटर यूजुअली ईट द एग्स। और तीसरी बात, चौथी बात मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि बहुत वेरी हाई अमाउंट में आपको गैमेट्स बनाने होते हैं, स्पेशली मेल गैमेट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं ताकि जो है प्रोबेबिलिटी रहे कि जो है जो गैमेट्स फ्यूज हो सके, ठीक है। तो ये टिल क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है।
नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके okay?